असलम डियर स्टूडेंट्स आई एम नवीद अहमद आई एम हेयर टू टीच यू बायलॉजी फार केटवेल्थ वो आर डिस्केंटी थ्री एंड द टिकन इज ट्रांसजेनिक प्लाट्स स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक प्लाट्स जो हैं इनका बहुत बेनिफिट है हमारे लिए हम इनसे बहुत सी मेडिसन्स ऑब कर रहे हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं इनको यूटिलाइज करते हुए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इन रेफरेंस टू तो हाई यील्ड प्रोडक्शन हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जब तमाम प्लांट्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमने यूटिलाइज़ किए और एक नई जिद्दत के साथ हमने एग्री बिजनेस को बढ़ाया ताकि हमारी जो डिमांड है उससे हम कई गुना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकें बट राइट नाउ यू नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी फ्लैट आउट बिकॉज देर आर्स नंबर ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन दैट इज द मेन रीज़न अभी फिर हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है सो हाउ वी कैन इम्प्रूव प्लान विद द हेल्प ऑफ बायो टेक्नोलॉजी विल स्टडी इन दिस लेक्चर तो चलते हैं लाइफ बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स देखें स्टूडेंट्स मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं तो अभी जो हमारा टॉपिक है यही है कि बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑबटेन कर सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं आप ये बात तो जानती हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी कि यहाँ पे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम फ़ॉर जीन इंसर्ट करते हैं मिसाल के तौर पर आप देखें हमारे पास एक प्लांट है कोई भी आ, प्लांट सेल है बेसिकली प्लांट सेल अब ये जो प्लांट सेल है अगर हम इसमें एक फ़ॉरन जीन इंसर्ट कर देते हैं फ़ॉर जीन का मतलब कि वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी ठीक है जो आप इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं तो बेसिकली आप जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट की दिस प्लांट विल बी मॉडिफाइड ये प्लांट मॉडिफाइड हो जाएगा या ये प्लांट सेल मॉडिफाइड होगा अब इस प्लांट सेल को हम क्या करेंगे कल्चर और कल्चर करके कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सकते हैं कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सकते हैं और ये प्लांट जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने बात की है ना प्लांट सेल की तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल में ऐसे ही इंसर्ट नहीं की जा सकती बल्कि हम क्या करते हैं प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करते हैं रिमूव सेल वॉल रिमूव सेल वॉल सेल वॉल को हम इसमें रिमूव कर देते हैं जैसे ही हमने सेल वॉल को रिमूव किया तो इसके अंदर ये जो सेल हमारे पास बनेगा जिसके अराउंड आउटर कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी दैट इज़ नॉन एज प्रोटोप्लास्ट उसे हम प्रोटो प्लास्ट के नाम से मेंशन करते हैं अब ये जो प्रोटो प्लास्ट है इसको एक सॉल्यूशन में सस्पेंड करते हैं एक लिक्विड में सस्पेंड करते हैं एंड दैट लिक्विड कंटेन डीएनए, एन आर यू कैन से दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो जीन रखता है जो हम इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं अब ये लिक्विड प्रोटोप्लास्ट ये तीनों चीज़ें हम एक जगह पे इकट्ठी रख लेते हैं यानी कि हमने इनको एक जगह पे एडअप किया अब ये जो पॉइंट है ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास सोल्यूशन सा बन जाता है जिसमें प्रोटोप्लास्ट भी है वो डीएनए, जीन्स जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस लिक्विड के अंदर वो भी मौजूद है हम इस पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इस पर अप्लाई किया हमने इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो क्या होता है दिस इलेक्ट्रिक विल मेक सेल्फ सील्ड यानी कि सेल्फ या ऑटोशील्ड पोर्स इन द प्रोटोप्लास्ट तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है इसमें क्या बन जाते हैं सेल्फ सील्ड, खुद बुद्ध जो अपने आप को सील कर देते हैं दिज पोर्स बन जाते हैं पोर्स ये पोर्स जो हैं दिस टेक, टेक अप जीन ऑफ इंटरस्ट ये उस जीन को क्या कर लेते हैं जो लिक्विड में मौजूद है उसको टेकअप कर लेते हैं सेल सील्ड होती हैं चूंकि ये क्या हो जाते हैं बाद में खुद ब खुद सील हो जाएंगे तो ये जो सेल है इस सेल के अंदर यानी प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया इसमें जो हमने मेथड फॉलो किया है दैट मेथड इज इलेक्ट्रिक करंट हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मेथड हमने कहा दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइंग uh, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया है स्टूडेंट जब ये सेल्फ सील्ड पोर्स बन गए और इसने जीन्स को टेप कप टिक कर लिया इसके अंदर एंटर हुए और ये बन गया अब देखिए उसके बाद फिर आपने कल्चर किया कल्चर करने के बाद ये कंप्लीट प्लांट आ जाता है अब क्वेश्चन इज दैट कि हम ऐसे कौन कौन से प्लांट्स जो हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं और उनसे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट करके बेनिफिट्स ले रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं और उनसे हम सिंगल जेन ट्रांसमिट करके बेनिफिट्स जो हैं वो ले रहे हैं जैसा कि मिसाल के तौर पर एक है हमारे पास काटन काटन कॉर्न पोटैटो ये जो काटन कॉर्न पोटैटो है इनको हम क्या करते हैं इंसेक्ट रजिस्टेंट बनाते हैं इंसेक्ट रजिस्टेंट बनाते हैं हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं बाय इंसर्चिंग यानी कि इनके अंदर हम इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाली जीन्स जो हैं वो क्या कर देती हैं इंसर्ट कर देते हैं ये इंसेक्ट टॉक्सेंस वाली जीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट इनके करीब नहीं आने देती आप ऐसे भी कह सकते हैं इंसेक्ट के बजाय हम अगर पेस्ट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ ऑलसो एक्ोरेट बिकॉज़ ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएंगे और ये इंसेक्ट टॉक्सेंस प्रोड्यूस जो हैं करती हैं ये जीन्स जो हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं ये इंसेक्ट टॉक्सेंस प्रोड्यूस करेंगी और इंसेक्ट टॉक्सेंस जो हैं वो उनको किल करने में इन्वॉल्व होती हैं सिमिलरली अगर हम इसके साथ देखें तो सोयाबीन है सोयाबीन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हम इसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो कौन सा ले सकते हैं पेस्ट का वर्ड भी यूज ले सकते हैं क्योंकि पेस्ट भी मोस्टली जो होते हैं वो इंसेक्ट्स ही होते हैं अब अगर हम देखें इसी तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है सोयाबीन की अब ये जो सोयाबीन होती है इसकी बात की जाए तो दैट इज़ रेजिस्टेंट टू कॉमन हर्बिसाइड्स साइड्स दैट इज़ रजिस्टेंट टु कामन हरबी ये आम तौर पर जो हर्बिसाइड्स होती हैं उनके लिहाज से क्या होती हैं रेजिस्टेंट होती हैं मतलब सोयाबीन जो है वो हर्बिसाइड्स वहाँ पे ग्रो नहीं होने देगी उनको किल कर देती हैं हमने ऐसी जीन्स उसमें क्या की हैं इंट्रोड्यूस की हैं सेम एस्टीज़ यहाँ पर ये जो, जो कॉटन एंड कॉर्न है जो हमने बात की है कॉटन एंड कॉर्न इनकी बात की जाए तो दीज बोथ आर पेस्ट एज वेल एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट यानी कि इनकी बात करें तो इनमें क्वालिटी ये है कि ये पेस्ट पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो है ये होती हैं पेस्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं स्टूडेंट इफ़ यू नो दैट तो हमने क्या किया बहुत से प्लांट्स को मॉडिफाई किया बहुत से प्लांट्स को मॉडिफाई करके हमने इसको अंडरस्टैंड किया एग्जांपल्स आ जाती हैं अब देखा जाए तो ये तमाम जितने भी हमने प्लांट्स बनाए इनको अराउंड कोई सेवेंटी मिलियन एकर्स सेवेंटी मिलियन एकर्स के अंदर ग्रो करवाया सेवेंटी मिलियन एकर्स एकर्स आप जानते हैं एक यूनिट का है जो कि अर्थ को यानी कि जहाँ पे हम फील्ड ग्रो करते हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके मयरमेंट को हम उसके एक जगह को हम एकड़ के नाम से मेंशन करते हैं अब कहा यह जाता है क्लेम ये किया गया कि अगले फाइव साल में नेक्स्ट फाइव ईयर्स के अंदर नेक्स्ट फाइव ईयर्स में दैट शुड बी ट्रिपल इससे क्या हो जाना चाहिए ट्रिपल हो जाएगी यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमने इनको ग्रो करवाया और ये काम हुआ है 1999 के अंदर यानी कि आज से बहुत अरसा पहले ये काम जो है वो हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के बाद हमने उनको तकरीबन सवन मिलियन एकर्स में ग्रो करवाया और ये फाइव इयर्स में नेक्स्ट फाइव इयर्स में हम कहते हैं कि दैट शुड बी डबल ये आ, ट्रिपल ये आगे क्या हो जाएंगे इनकी कंसनट्रेशन या इनकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी ट्रिपल हो जाएगी स्टूडेंट इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो हमने यहाँ पे ऑप्टेन किए हैं इन प्लांट्स में ऐसी क्या मॉडिफिकेशन की गई कि ये हमारे लिए बेनिफिटेड हों इसमें चार ऐसी मॉडिफ़िकेशन हैं मतलब कि हम इसके प्रोटीन कंटेंट जो होता है उसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ताकि हम प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ले सकें ठीक है इस तरह से हम उसके स्टार्स कंटेंट जो होता है स्टार्स का कंटेंट उसको हमने बढ़ा दिया ताकि हम मैक्सिमम स्टार्ट्स जो है उसको क्या कर सकें ऑप्टेन कर सकें इसी तरह से अगर हम देखें उसमें कंसिटेंट ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि अमाइनो एसिड के टाइप कॉन्स्टिटेंट ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमने इस तरह से इंक्रीज किया कि उससे हम बेनिफिट्स ले सकें सेम एस्टेज हम जो यहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू देयर इंक्रीज कंटेंट ऑफ इंक्रीज कंटेंट ऑफ द ऑयल ऑयल एंड सीड्स तो इनका भी हमने इस तरह से हम इसमें क्या कहते हैं बेनिफिट्स लेते हैं स्टूडेंट ये तो वैसे किया गया अब इसके साथ साथ में एग्री बिजनेस एग्री बिजनेस हम कहते हैं जो एग्री एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है वो हम काउंट कर रहे हैं स्टूडेंट इससे नेक्स्ट बात की जाए तो हमारे पास है एगरी बिजनेस एग्री बिजनेस ये भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं दे आल्सो डिवेलप्ड जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स ठीक है दे ऑल्सो डिवेलप्ड डिवेलप्ड जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स इंजीनियर्ड प्लांट्स और इन प्लांट्स में स्पेसिफिकली जो फूड से रिलेट करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंटली यूटिलाइज किए गए लाइक like दैट इसमें व्हीट है गंदम इसमें कॉर्न राइस ये हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम यूटिलाइज़ करते हैं इन डेली फूड्स कह सकते हैं कि दीज आर तो गोइंग टू बी यूटिलाइज अब देखिए स्टूडेंट अगर हम 2020 की बात करें जब ये 1999 की बात हम कर लें तो उसके बाद फिर इसमें एग्री बिजनेस ने वर्किंग भी की तो अगर हम एगरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें अभी हमारे पास जो डिमांड है डिमांड है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट राइस वीट इनकी बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड आप कह सकते हैं ग्लोबल डिमांड के हम एब्सोल्यूट ग्लोबल डिमांड जो है वो हमें मौजूद है इस डिमांड को निपटने के लिए हमने क्या किया हाई यील्ड प्लांट्स जो हैं वो डेवलप करवाए यानी कि इन, इनको निपटने के लिए हमने हाई जील्ड प्लांट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए ये हाई जील्ड जो है इनसे पैदावार ज़्यादा हो रही थी पैदावार ज़्यादा हुई और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि ये नाइनटीन सिक्सटीज में नाइनटीन सिक्सटीज में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि वी इंट्रोड्यूस्ड मैनी ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन टू वर्ल्ड हमने दुनिया में बहुत से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया अब वो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनसे हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन की थी अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई 1960 में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया और उनसे बेनिफिट्स हमने लिए लेकिन आप जानते हैं अब अगर हम बात करें तो दिस रेशो इज़ फ्लैटेंट यानी कि ये जो ग्रोथ है ये जो रेशो है ये क्या है फ्लैटन हो चुकी है रेशो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द यील्ड इज़ फ्लैट ठीक है जो हमने रेशो बनाई थी जो हमारे पास डेवलपमेंट हुई थी हमने फूड डेवलप की थी अब वो यील्ड जो है वो फ्लैटड है फ्लैटन होने का मतलब क्या है कि अब हमारी अगर डिमांड देखी जाए और फिर हमारी प्रोडक्शन देखी जाए दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल या फिर हमारी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है वो क्या है कम है द रीज़न बिहाइंड इज़ अ पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है लेकिन ऐज सच प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन अभी तक वहीं पर मौजूद है अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस चीज़ में इम्प्रोवमेंट ला सकते हैं उसको हम नेक्स्ट लाइट पुड में देखेंगे बट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हम बनाते कैसे हैं मेथड क्या है इलेक्ट्रिक करंट का मेथड है और फिर इसमें हम कह सकते हैं कि हमने प्लांट्स को बनाया ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स सोयाबीन कॉर्न कॉटन किस तरह से है 1990 में कितनी मिलियन एकड़ जो है वो ग्रो करवाएगी अगले पाँच साल में कितना वो प्रोडक्शन uh, होगी कौन सा कंटेंट हमने इन प्लांट्स के अंदर इंक्रीज किया है एग्री बिजनेस क्या कर रही है और किस तरह के प्लांट्स बनाए और दूसरा नाइनटीन सिक्सटीज़ में किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन और कौन से प्लांट्स जो है वो इससे इंट्रोड्यूस किए गए और अब अगर हम देखा जाए तो ये फ्लैटेंट जो हुई है वो किस वजह से है और डिमांड प्रोडक्शन में क्या रेचो है और अभी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को और हमने ये कहा कि जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है That इज़ फ्लैट ये क्या हो चुकी है फ्लैट out. आउट हमने इससे पहले कि यील्ड जो फ्लैट out आउट है इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी हैं अब अगर देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह जो है वो क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ है जिस जिस तरह से बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है यानी कि ओवरऑल एक रीजन की बात करें तो उसमें कंजम्पशन जो है वो भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी ड्यू टू तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन सो so, ये तो फ्लैट आउट हो चुकी ना वट अब हम ये फार्मर्स को कहते हैं कि फार्मर्स जो हैं फर्दर क्या करें जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स जो हैं उनको यूटिलाइज करें इन जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट को यूटिलाइज़ करवाना बहुत ही आसान है और मुश्किल भी है लेकिन ये प्लांट्स जैसे यूटिलाइज होंगे हमारी यील्ड जो है वो भी क्या होगी बेहतर होगी स्टूडेंट देखा जाए तो अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर क्या है हम स्टोमेटल मॉडिफिकेशन भी कर चुके हैं स्टोमेटल मॉडिफिकेशन स्टोमेटल मॉडिफिकेशन से क्या मुराद लेते हैं इसका मतलब ये है कि हमने स्टोमेटा जो पोर्स हैं इस तरह से मॉडिफाइड किए हैं यानी कि वो पोर्स इस तरह से मॉडिफाइड किए हैं चेंज किए हैं यानी कि इनमें मॉडिफिकेशन लाए हैं कि ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करें मैक्सिमम कार्बन डाइक्साइड इनटेक मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक करें जबकि कट आउट कट आउट या फिर लेस लेस वाटर जो है उसको क्या करें रिलीज करें कटआउट करने का मतलब ये होता है कि उसको कम कर देना या फिर उस चीज को रिड्यूस कर देना तो ये दो प्रोसेस हम किस से जाते हैं और से जाते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगी उतना ही उनकी प्रोडक्शन जो है यानी कि इसकी जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी इंक्रीज होगी तो इससे जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से यील्ड जो पैदावार है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो हम यील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं इसके लिए एंजाइम्स को भी मॉडिफाइड होना चाहिए तो हमने क्या किया है एंजाइम को भी चेंज किया है या आप ऐसे कह सकते हैं द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ऑल्सो बिंग मॉडिफाइड उसको भी हमने मॉडिफिकेशन की है अब वो पहले जो प्लांट्स थे जो ओल्ड हम प्लांट्स कहते हैं दिस वार सी थ्री प्लांट्स और सी थ्री प्लांट्स का मतलब ये होता है कि इनका जो कार्बन फिक्सेशन का साइकिल होता है कैलविन साइकिल उस कैलविन साइकिल में जो पहला मॉलिक्यूल हमें अपेयर होता है दैट इज कंसिस्टेड अपॉन थ्री कार्बन सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज सीथ्री प्लांट्स या फिर हमें सीथ्री साइकिल के नाम से भी मैंसन करते हैं अब इसमें जो इंजाइम इन्वॉल्व है दैट इन्जाइम इज़ नॉन एज रोबिस्को उस एंजाइम का नाम है रोबिसको रिबोलोज बिस्फॉसफेट कार्बोक्सीस इन शॉर्ट हम इसे कार्बोक्सीस भी कह सकते हैं स्टूडेंट ये इन्जाइम के अंदर खामी ये थी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट बढ़ता ऑक्सीजन का कॉन्टेंट बढ़ता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर किसके साथ बाइंड करते ऑक्सीजन के साथ, साथ. यानी कि इसमें सलाहियत ये थी कि ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करने की सलाहियत रखता था यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रिबलोस बिस्फेट कार्बोक्सिलेज तो है कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ में ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता था केस ऑफ फोटोरेस्पाइरेशन जैसे कि हमने वो एक प्रोसेस पढ़ा था फोटो उसमें अब इससे क्या होता है प्लांट की फोटोसेंसेस जो है वो हाई टेम्परेचर पर रुक जाती थी यानी कि हम कह सकते हैं ये इसकी कंसनट्रेशन मोस्टली जब ये काम होता है तो कंसनट्रेशन कम होती है आप देखें ये फोटो रेस्प्रेशन जो है ये हम कह सकते हैं जब हीट ज़्यादा होती थी या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होता था तब ये प्रोसेस होता था और प्लांट की जो प्रोडक्शन लेवल है वो स्लो हो जाता था अब हमने इससे बचने के लिए क्या किया है सी फोर प्लांट्स जो हैं वो बनाए हैं C4 फोर प्लांट्स में हम ये जैपनीज साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं जैपनीज uh, साइंटिस्ट हैं वो ये काम कर रहे हैं दीज आर वर्किंग अपोनिट अब उन्होंने C4 फोर प्लांट्स बनाए जिसमें इंजाइम जो है वो क्या यूज किया जा रहा है पेप्को अब ये जो पेप्को इंजाइम है इसमें हम ऐसे कह सकते हैं फास्फोइनोल इनोल पायरोट यानी कि यह है ये भी कार्बोक्सीज लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो हम लिखते हैं फॉस्फो इनोल इनोल पायरोट कार्बोक्सीज इसको हम पेपको के नाम से जानते हैं अब ये जो पेपको है सिर्फ ओनली ओनली फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल नॉट फिक्स ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करता तो इस वजह से हम कह सकते हैं जब हम पेपको को यूटिलाइज करते हैं तो वाट एवर द टेम्परेचर टेम्परेचर जो भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इट विल जस्ट एंड ओनली फिक्स कार्बन डाइक्साइड ये कार्बन डाइ ऑक्साइड को फिक्स करता है जिससे उसकी यील्ड जो होती है उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है उसमें इजाफा हो जाता है ये यील्ड इस तरह से पॉसिबल होती है कि वो इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सिंगल जीन ट्रांसफर हम करते हैं बेसिकली हम करते क्या हैं सिंगल जीन ट्रांसफर करते हैं सिंगल जीन ट्रांसफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट जो सिंगल जीन ट्रांसफर होता है इसका बेनिफिट है इसका बेनिफिट क्या है कि हमें इससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम इससे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो करते हैं अब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि इस इन प्रोडक्ट से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स ले सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स हम इन से एज सच ले सकते हैं हम इन से एंटीबॉडीज़ ले सकते हैं एंटीबॉडीज ले सकते हैं देर इज मैनी अदर थिंग्स हम बहुत कुछ और जो है वो भी यहाँ से क्या कर सकते हैं सिंगल जीन का ट्रांसफर करने से ले सकते हैं जो कि हमारे लिए क्या होता है बेनिफिशियल कंसिडर होता है अब स्टूडेंट ये तो बात ठीक है लेकिन हम अगर प्लांट्स को ओवरऑल देखें तमाम प्लांट्स को देखें तो वो नीड टू री प्लांट्स वो नीड टू री इंजनरिंग थ्रू आउट हमें यानी कि सारा जो है वो एक दफ़ा दोबारा जो है वो क्या करना चाहिए ऑब्ज़र्व करना चाहिए थ्रू आउट जो तो है इसे ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है ये हम इसे थ्रू आउट जो है वो क्या करते हैं री इंजीनियरिंग करते हैं अब थ्रू आउट री इंजीनियरिंग करने से हम डिफरेंट तरह के प्लांट्स बनाते हैं अब ये जो प्लांट्स होंगे दीज आर बेस्ट यूज्ड ये हमारे लिए बेस्ट यूज्ड कंसीडर किए जा सकते हैं स्टूडेंट एक तरह के प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें हम सिंगल जीन ट्रांसमिट करें जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास या वीड है माउस माउस क्रस्ट एक अब ये माउस ईयर वीड है इससे हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं डिग्रेडेबल प्लास्टिक बनवाते हैं डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो हम यहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं अब ये जो माउस ईयर क्रेस आ, वीड है इस वीड की बात की जाए तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसका नाम है ब्यूटाइरेट। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम कह सकते हैं और इससे हम जो आ, प्लास्टिक लेते हैं उसका नाम है पोलीहाइड्रोक्सी पोली हाइड्रोक्सी पोली ये एक इसका नेम है जो हम यूज़ करते हैं ये माउस ईड क्रेस वीट जो है इससे हम ये प्लास्टिक जो है इस तरह का ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स फर्दर हम देखें ना तो हम प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स से हम एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं एंटीबॉडीज अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वरी uh, हम कह सकते हैं स्टिल वरी है मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है आ, या आप ऐसे कह सकते हैं देर इज प्रॉब्लम लिटिल प्रॉब्लम अब वो प्रॉब्लम क्या है दैट इज़ इन्फेक्टेड ये क्या हो सकती हैं इन्फेक्टेड हो सकती हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेमिनेटेड हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में इन्वॉल्व हो सकती हैं तो दीज आर कॉन्टेमिनेटेड मे बी और ये जो कॉन्टेमिनेशन है दैट्स कैन कॉज अ सीरियस डिसऑर्डर ये सीरियस डिसऑर्डर जो है वो भी कॉज कर सकती हैं सो so हम डिफरेंट तरह के और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं तो हेयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन यू कैन सी दैट वाट आर द मोडिफिकेशन इन स्टोमेटा इन्ज़ाइम्स uh, मॉडिफिकेशन हम करते हैं C4 फोर प्लांट्स बनाते हैं C4 फोर प्लांट्स किस कैटेगरी में होते हैं किस तरह से हम इसको क्यों कहते हैं द रीज़न बिहाइंड जो कैलविन साइकिल उसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है उसमें कार चार कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं इसलिए हम सी फोर कहते हैं अब सिंगल जीन की बात करें तो ये ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं इनसे हम डेवलप करवाते हैं एंटीबॉडीज हार्मोन्स और प्लांट्स जो हैं इनको हम री इंजीनियरिंग करें ताकि हम बेटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनसे ले सकें तो माउस ईय क्रैस वीड है जिससे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं जैसे पोलिहाइड्रोक्सीब्यूटाइडेट है प्लांट्स है इनमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं लेकिन स्टिल लिटिल प्रॉब्लम है लिटिल वरी है अबाउट इट कि ये जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो सकती हैं जो आगे इन्फेक्ट यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने में इन्वॉल्व हो सकती हैं जिनसे सीरियस डिसऑर्डर जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक से कैसे ऑब्टेन करते हैं समझ चुके हैं स्टूडेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं जैसे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा लेट्स कंसीडर इन एम सी क्यू अगर हम ये कहें कि विच वन ऑफ द फॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो कि पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट है तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रोड्यूस करता है तो ऑप्शन में हो आपके पास माउस ईयर क्रैस वीट कॉर्न ट्रांस जेनिक सोयाबीन ट्रांसजेनिक कॉटन देन वॉट विल बी द आंसर डेफिनेटली इट इज माउस ईयर क्रैस वीट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स मतलब वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ट्यूमर सेल्स तक पहुँचाने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है इनमें से विच वन तो आंसर में आपके पास ऑप्शनस हों माउस ईयर क्रैसवीट कॉर्न बी टी कॉटन और पोटैटोज देन वॉट विल बी द आंसर डेफिनेटली दैट इज़ ट्रांसजेनिक कॉर्न ट्रांसजेनिक कॉर्न हम ऐसी कॉर्न को कहते हैं जिनमें हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है और इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू द ट्यूमर सेल्स मतलब ट्यूमर सेल्स को बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे है किस जगह पे है हम इन कॉर्न के प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ को यूटिलाइज करते हैं जब हम ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ रेडियोथेरापी वी कैन किल दैम हम उनको किल कर सकते हैं या फिर हम और भी मैथड्स यूटिलाइज कर सकते हैं उन ट्यूमर सेल्स को रिमूव आउट करने के लिए बॉडी से निकालने के लिए सेम एज इट इज हमारे पास यही ऑप्शंस हों या फिर एक और ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं ट्रांसजेनिक सोयाबीन और स्टेटमेंट ये हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज टू ट्रीट जेनिटल हर्पीज इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि जेनिटल हर्पीज़ को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज होता है स्टूडेंट्स यू नो दैट यू हैव स्टडी इन चैप्टर नंबर 18 दैट जेनिटल हार्पीज इज़ अ डिजीज़ वायरल डिजीज़ व्हिच कॉज इन्फेक्शन एट जेनेटीलिया इन द फीमेल एज वेल एज इन मेल इट कैन कॉज तो ये जो डिजीज़ है इसको ट्रीटेड करने के लिए हम किस से कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट को जो है वो यूटलाइज करते हैं तो दैट इज़ सोयाबीन हम सोयाबीन जो है उसको यूटलाइज करते हैं ऑप्शनस में आपके पास माउस ईयर क्रैस वीड हो सकती है कॉर्न पीटिकॉर्न पोटैटोस आर यू कैन सी दैट सोयाबीन देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर डेफिनेटली सोयाबीन जो है ये करेक्ट आंसर हो सकता है स्टूडेंट इससे नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट एनिमल्स से तो हम बहुत सी प्रोडक्ट्स अटेन करते हैं अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बार टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं तो उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़